मानवता पर जब भी जहां भी कोई प्राकृतिक आपदा आई है, गांधी विद्या मंदिर ने वहां उनके साथ सहयोग करने का प्रयास किया है। अगर हम पहुंच सकते हैं तो हमेशा वहां जा करके, और नहीं पहुंच सकते तो उनके लिए प्रार्थना करके भी उनके दुख में साथ जुड़ने की जरूर प्रयास किया। आज COVID-19 के संक्रमण के समय भी हम वही प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरह उनकी दुख में साथ जुड़ें, उनको आराम पहुंचाएं, उनकी सेवा कर सकें। कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हमें पूरी सरदार शहर तहसील को सैनिटाइज करवाना चाहिए। इसके लिए हमने गुजरात और हरियाणा से 25 टन सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल मंगवाया। और उसको सरदार शहर तहसील के पूरे 220 गांवों में वितरित करवाया। इसके बाद 31 मार्च सन 2020 को एक साथ ही पूरी की पूरी तहसील को सैनिटाइज करवाया गया। साथ ही उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मान्यता विश्वविद्यालय अपने मात्र संस्था गांधी विद्या मंदिर के साथ मिलकर इस महामारी के दौरान लगभग 3,000 विद्यार्थियों, शिक्षकों और कार्यकर्ताओं के साथ लॉकडाउन के दौरान अपने अपने क्षेत्र में मास्क बनाने का और उसे वितरित करने का, मोहल्ले के लोगों को, गांव के लोगों को जागरूक करने का, जहां पे कोई भूखा है उसको खाना खिलाने का, और इसके साथ साथ काढ़ा पिलाना, ग्रामीणों को जागरूक करना, COVID-19 में सावधानियां रखना, अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। जहां पर हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज, ऑनलाइन क्लासेस, ट्रेनिंग, वेबिनार, केवल इतना ही नहीं, गाँव के अंदर जो हमारे मूक पशु वगैरह है और उनको लॉकडाउन के अंदर बहुत भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे पशुओं के लिए पंजाब और हरियाणा से चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना और गांव गांव के अंदर उनको फ्री में और लागत मूल्य जहां पे सामर्थ्य है वहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य संस्था के साथ मिलकर विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। हमने अपने चिकित्सालय में 500 बेड का एक कोविड केयर सेंटर कम क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। इस चिकित्सालय के अंदर अभी तक 13,500 लोगों को स्क्रीन आउट किया गया है, उनमें से 11,500 लोगों को भर्ती रखा गया है और उनमें से 34 लोग जो पॉजिटिव आए हैं उनका ट्रीटमेंट करके उनको घर पर भेज दिया गया है। यहाँ पर भर्ती किए जाने वाले प्रत्येक रोगी को आवश्यकता अनुसार खाना, योगा, प्राणायाम, धूप स्नान, वाष्प स्नान, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट व औषधियाँ व अन्य उपचार दिए जाते हैं। कोविड की इलाज के लिए चिकित्सा एक भाग हो सकता है, पर सबसे बड़ा भाग सेवा है। संक्रमित व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखने के कारण वह सेवा से वंचित हो जाता है, जो कि बड़ा घातक है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोविड का वर्तमान में कोई इलाज नहीं है, जो इलाज है वो सिम्टोमेटिक है। हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कर रहे हैं तथा उसकी भरपूर सेवा भी कर रहे हैं, जो कि निशुल्क है। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है वो सेवा का पात्र है, घृणा का नहीं। COVID-19 के रोकथाम के लिए किए गए सारे काम में शायद सबसे महत्वपूर्ण काम जो गांधी विद्या मंदिर ने किया है वो है लोगों का रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने का। इसके लिए परम पूज्य आदरणीय श्री ए नागराज जी के, जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववादी मानव जाति को दिया है,
उनके आयुर्वेद की एक 800 साल परिवार की परंपरा से एक नुस्खा जिसका नाम है सर्व ज्वरहर चूर्ण, वो हमको मिला। और वो परंपरा के चूर्ण को हम लोगों ने 16 मार्च से लॉकडाउन होने से पहले पहले सरदार शहर में लगभग 2,00,000 लोगों को हम लोगों घर घर जाके इसको काढ़े को पिला चुके थे। इसके बाद कुछ बाहर से संक्रमित लोग आए, और जो बाहर से संक्रमित लोग आए इनके परिवार वाले जो क्वारंटाइन हुए उसमें 102 लोग जो क्वारंटाइन हुए हुए थे वो पहले से हमारा काढ़ा पी चुके थे, और टेस्ट के दौरान सरकार ने ये पाया कि ये सब के सब नेगेटिव हैं। ये रिजल्ट देख के हम लोगों के मन में एक आशा की किरण जागी कि शायद हम लोग इस वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए कुछ बड़ा योगदान कर सकेंगे। इसीलिए इसका महत्व समझते हुए हम लोगों ने तुरंत ही एक रसायनशाला का निर्माण किया, और एक हफ्ते के अंदर अंदर लॉकडाउन पीरियड में ये रसायनशाला बनी, और आज इस रसायनशाला में लगभग 6,00,000 डोज रोज निर्माण होके पैक हो रहे हैं और देश भर में ये वितरित हो रहे हैं। हमारा जो सोच है कि इस पृथ्वी के 700 करोड़ जो लोग हैं सबको निरोगी रखना है, और कोरोना ही नहीं हर महामारी हर बीमारी से उनको बचाना है, और ये सारा काम लाभ हानि की दृष्टि से बिना हमको करना है। इसीलिए हमारे गांधी विद्या मंदिर का जो दो मुख्य हेतु है, कोई और नहीं कोई गैर नहीं, और कुछ न चाहो काम आ जाओ।